नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि माइग्रेशन पॉलिसी पर गठबंधन दलों के बीच मतभेदों के कारण डच सरकार गिर गई थी। इसे लेकर चार सहयोगी दल पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेट्स के 66 क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील और क्रिश्चियन यूनियन के साथ बैठक हुई थी, जो सफल नहीं रही। पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडरी 13 अगस्त को भंग हो जाएगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम तजीब ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी चुनाव लड़ सकेंगे। तरार ने कहा कि नए इलेक्शन एक्ट के बाद पीएमएल सुप्रीमो पर लगा बैन हट सकता है। ईरान में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। सार्वजनिक जगहों में गाने पर बैन उनमें से एक है। इसके बावजूद एक महिला ने ईरान के इस्फान शहर में गाना गाया। ईरान में महिलाओं के मानव अधिकारों पर काम करने वाली एक्टिविस्ट मासी अलीनेज ने यह वीडियो शेयर किया है। अमेरिका ने गुरुवार को मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ड्रॉसेटी ने कहा कि अगर भारत मदद मांगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं ये भारत का आंतरिक मसला है, हम जल्द से जल्द शांति की उम्मीद करते हैं। रूस से जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयल्स्टर के मुताबिक इस घोषणा शुक्रवार देर रात की जाएगी। इस दिन तीन अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन को दिए जाने वाले वेपन पैकेज में क्लस्टर हथियार होंगे, जिन्हें होविल्जर तोप से दागा जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है। बुधवार को ब्रिटेन में हुई यूएनएससी की एक बैठक में पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर यूएन में भारत के मिशन काउंसलर आशीष शर्मा ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे। ईरान ने गुरुवार को ओमान की खाड़ी में एक कॉमर्शियल जहाज पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की नेवी के प्रवक्ता ने मुताबिक जहाज के तस्करी में शामिल होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि नेवी के पूरे घटनाक्रम की मॉनिटर करने के बाद कोई एक्शन नहीं लेने का फैसला लिया गया। रूस यूक्रेन जंग के बाद एक बार फिर भी जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका ने इस जंग को खत्म करने के लिए रूस से बैकऑर्डर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत शुरू कर दी है। ये सीक्रेट टॉक्स अप्रैल में शुरू हुई थी, अभी तक जारी है। रूस की तरफ से इस बैकडोर बातचीत में फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरेव को हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से श्रद्धा वालकर जैसा हत्याकांड सामने आया है। शादी करने से मना करने पर 21 साल की इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट की हत्या कर दी गई। आरोपी ने विक्टिम के हाथ पैर बांध दिए, उसे किडनैप किया, फिर गला काट दिया और जमीन में दफना दिया। अमेरिका शुक्रवार यानी आज से केमिकल हथियारों से मुक्त देश हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 70 सालों तक केमिकल हथियारों का जखीरा स्टोर किया था। इन्हें खत्म करने की प्रोसेस आज पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह फ्रांस की परेड गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर भारतीय तटों की सुरक्षा और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए लड़ाकू विमान रफाल एम वर्जन खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल में आज से पंचायत चुनाव के लिए 22 जिलों में 64,874 ग्राम पंचायत सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। वोटिंग शुरू होते ही कूच बिहार सीताई में वाराविटा प्राइमरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ की गई और बैलेट पेपर में आग लगा दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। उन्होंने किसानों और मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी रवाना हो गए। राहुल ने किसानों के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने शुक्रवार को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी सील गई है। साथ ही 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी होल्ड कर रखा गया है।
देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाकों में पानी से डूब गए हैं। कर्नाटक बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने शुक्रवार को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी प्रॉपर्टी शामिल है। देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बालासोर में पिछले हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के सीधी और शिवपुरी के बाद अब ग्वालियर में युवक के साथ अमानवीय कृत्य किया गया। बदमाशों ने युवक का अपहरण कर चलती कार में उसकी जमकर पिटाई की और पैर दबवाने के साथ तलवे चटवाए। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सीधी में हुए पेशाब कांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस घटनाक्रम से नाराज जिले के महामंत्री विवेक कोल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को इस्तीफा सौंपा है। साथ ही विधायक केदारनाथ शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी की तैयारियों को लेकर कहा कि इस बार गद्दारों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इस बार बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी और दृढ़ता से कांग्रेस अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सत्तारूढ़ी पार्टी नए नए बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में बीजेपी आलाकमान ने 4 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद से भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर बधाई दी। मध्य प्रदेश में 10 जुलाई से मानसून विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। इस कड़ी में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीधी जिले की घटना का मुद्दा विधानसभा में उठाने की बात कही। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई का जवाब भी मांगने की बात पीसी शर्मा ने कही है। मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने राजधानी भोपाल के कुशाभा ठाकरे परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार मतदाता सूची को पढ़े जाने का फैसला लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पहली बार इस पहल की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बयानों की वजह से घमासान मचा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरिया ने प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फूल सिंह बरिया ने बयान को लेकर सफाई देते हुए उनके पिताजी का नाम लेकर जो चैलेंज दिया गया था वह हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, सभी पूज्य हैं, उनको इस बात का बुरा लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते ही भाजपा ने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहां एक बार फिर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी चुनाव ओम माथुर को बनाया गया है। सह प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने मानहानि मामले में मिली सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस निर्णय को देश भर में कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम की लेट लतीफी के कारण रायपुर आनंद नगर के 1000 लोग हर दिन जाम का खतरा मोल लेकर
घरों से आना जाना कर रहे हैं। दरअसल यहां पिछले 4 माह से मुख्य सड़क को 10 फीट गहरा खोदकर अंडरग्राउंड नाला बनाया जा रहा है, जिसमें घरों से बाहर छड़ों से भरा नाला है, जिस पर चलने से केवल ही 3 फीट पाटा गया है। बारिश होने की वजह से मलबा भी लगातार गड्ढे में गिर रहा है। प्रदेश के सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने एकजुट होकर एक दिवसीय हड़ताल किया। बता दें, कर्मचारी और अधिकारी राज्य सरकार से वेतन संबंधित विसंगतियों के समाधान की मांग करते हुए दुर्ग के जीआईडी स्कूल के सामने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। सुकमा में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सुकमा जिले के हजारों की संख्या में सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। इस आक्रोश रैली में कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। केशकाल विधानसभा के सैकड़ों स्कूल सफाई कर्मचारी संघ अपनी एक सूत्री मांग को लेकर विधायक संत राम नेताम के निवास घेराव करने पहुंचे, जहां कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विष्णु दास ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर झीरम से पैदल यात्रा कर रायपुर पहुंचे हैं। संविदाकर्मी 3 जुलाई से अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। इसके चलते जिला अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट के अधिकांश कार्यालय में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। संविदाकर्मियों का कहना है कि चुनाव के समय कांग्रेस के नेताओं ने 10 दिन में अनियमित कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, जो 5 साल बीतने को है और अब तक वादा पूरा नहीं किया गया। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर के अलावा बाहर से भी कार्यकर्ता पहुंचे थे। मनेंद्रगढ़ कवर्धा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी राजधानी रायपुर पहुंचे, जिन्हें भाजपा नेता और स्थानीय पार्षद अमर बंसल ने शरण दी। कार्यकर्ताओं के रात्रि विश्राम से लेकर उनके सुबह नाश्ते तक की व्यवस्था इस ओर से की गई। कटघोरा एक व्यक्ति से ट्रांसफर कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता बताने वाले व्यक्ति ने ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन ट्रांसफर नहीं होने पर प्रार्थी ने कांग्रेस नेता से जब पैसे मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया और धमकाया, जिस पर प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के 25 गांव ग्रामीण लगातार 15 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यहां के युवा ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने बताया कि बारिश की शुरुआत होते ही बिजली की समस्या बढ़ जाती है। कटघोरा थाना क्षेत्र से ऑयल ड्रम से भरा छोटा हाथी चालक के साथ लूट का मामला सामने आया है। चालक रायपुर से भैया थान के व्यापारी के यहां एक बड़ा ड्रम ऑयल और 20 नग बकेट ऑयल ड्रम लेकर जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। बलौदाबाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 331 गुम हुए मोबाइलों को रिकवर कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइलों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं गुम मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। सरगुजा पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में थाना बतौली पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 576 नग प्रतिबंधित अवैध नशीली टैबलेट बरामद की गई। दुर्ग पुलिस की बैन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा महादेव गेम खेलने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल के साथ 1,50,000 रुपए जब्त किए हैं। धर्मजगड़ के भालू पखना में बीती दिन आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी, जिससे परेशान होकर ग्रामीण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है, मृतक ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसे उसने अपने आत्महत्या का कारण लिखा है। वहीं प्रशासन भी अब अपनी तैयारियों को रूप देने में लगा हुआ है। जिला निर्वाचन ने ईवीएम के परीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भिलाई के जिला पुलिस नियंत्रण सभा
कार में दुर्ग पुलिस के चुने हुए अधिकारियों और संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पंखाजुर में हाथी के कुचलने से एक युवक की मौत हो गई। युवक रात से ही लापता था। तलाश में निकले परिजनों को युवक की लाश सुबह जंगल में मिली। बता दें, दंतैल हाथी कापसी वन परिक्षेत्र में दो दिनों से विचरण कर रहे हैं। बेमेतरा के एक किसान परिवार ने जहर खा लिया। बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद के चलते एक ही परिवार के चार लोगों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज भाटापारा के निजी अस्पताल में जारी है। बिलासपुर में तीन मंजिला भवन शनिवार की सुबह ढह गई। हादसे में जनहानि की खबर नहीं है। जिस पर भवन गिरा है वहीं नगर निगम खुदाई करके नाली निर्माण करा रहा है। ऐसा माना जा रहा है नगर निगम इसी लापरवाही से बिल्डिंग गिरी। भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस में पांच दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद डोमिनिका पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया हैंडल पर आज सुबह प्लेयर्स को डोमिनिका पहुंचने के फोटो शेयर किए। डोमिनिका के विंडसर पार्क में 12 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे सीरीज 2023 का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस टेस्ट के दूसरे दिन खेल के में मोइन अली अपने टेस्ट करियर में 200 विकेट करते हुए एक नया मुकाम हासिल किया। इंग्लैंड के लिए अब मोइन अली ऐसा करने वाले 16वें गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के लीड में एशेज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरे दिन बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने अपने संन्यास के फैसले को वापस ले लिया है। इकबाल ने रिटायरमेंट वापसी का फैसला बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के कहने पर लिया है। भारतीय क्रिकेट में अब तक एक से एक कई शानदार कप्तान देखने को मिले हैं। इसी में नाम है सौरभ गांगुली का। सौरभ गांगुली का आज 91वां बर्थडे मना रहे हैं। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।